हे YouTube फैमिली, तो कैसे हो आप सब। वेलकम बैक माय YouTube चैनल पूजा CHY लाइफस्टाइल में आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया है। और वेलकम जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और गाइज एक दो ठो जो हैं काफ़ी लोग खराब कमेंट भी करते हैं, तो प्लीज़ गाइज अगर आप किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते हो और आप तो बुरा कमेंट तो मत ही किया करो। और आजकल तो यार बच्चों को भी नहीं छोड़ते। मेरी बच्ची है, मैंने एक अपने बच्चे के साथ वीडियो डाला था, उसमें भी एक जन ने खराब कमेंट करा था। यार वो बच्ची अभी जस्ट अभी वो जन्म ली है, उसने तो किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं, उससे तो एटलीस्ट मत बुरा भला बोला हो यार। सच में मतलब कॉमन सेंस नहीं होता है लोगों का कि क्या उनका। मैं यहाँ पे दिखाने वाली थी क्या लिखा था उन्होंने, लेकिन वो शायद अपना डिलीट कर लिया क्योंकि मैंने उसके बहुत ही अच्छा जवाब दिया था, इसीलिए शायद उन्होंने अपना कमेंट जो है वो डिलीट कर लिया, हटा लिया। नहीं तो मैं यहाँ पे मेंशन करके दिखाती आप लोग को फ्रेंड्स कि कैसे 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 थिंकिंग के लोग होते हैं, किसी को भी आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते, कुछ भी आगल पागल लिख देते हैं। मतलब कम से कम थोड़ा सेंस तो यूज करके लिखा करो। लोगों को लिखते हो आप तो न जानो नहीं पहचानो, नहीं देखनी वीडियो मत देखो ना। छोड़ो गाइस, बस मेरे बच्चे को मत उल्टा पुल्टा बोला करो, इस वजह से मेरे को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि मेरी बच्ची जो है मेरे को बहुत मतलब जान है मेरी, उसके बारे में तो मैं बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त करूंगी। और फ्रेंड जो मुझे लाइक करते हैं सपोर्ट करते हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों, क्योंकि आप लोग जानते हो कि आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जो दूसरे की कामयाबी को देख के जलते हैं, वैसे लोग इस दुनिया में बहुत ज़्यादा हैं फ्रेंड्स। तो छोड़ो, खैर बोलते ना जो दूसरे का बुरा सोचते हैं या बोलते हैं उनका खुद ही। खैर तो गाइज जो ये वाला मेरा ब्लॉग है ये इवनिंग टू नाइट का ब्लॉग है गाइज। मैं बहुत दिन से ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरी छोटू सी बेबी है और ठंडा भी कभी कभी यहाँ पड़ जाता है, कभी नहीं पड़ता है, कभी बारिश होती है, तो इस वजह से जो है मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कमरा बैक करके कि देखो गाइज कैमरा बैक किया मैंने, मेरी बेबी जो है सो रही है। हे फ्रेंड्स, तो मेरी बेबी जो है वो सो रही है, मैंने कैमरा बैक करके आप सबको दिखाया, तो मैंने सोचा कि चलो फाइनली जो है मैं छोटा सा जो है ब्लॉग बना लेती हूँ और आप लोग से भी फिर शेयर करूँगी। अगर मेरा ये प्यारा सा ब्लॉगिंग आप लोग को अच्छा लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन बजाना मत भूलना, बेल आइकन दबाना सॉरी। और गाइज ये जो मेरा ब्लॉगिंग है मुझे उतना अच्छे से ब्लॉगिंग करना नहीं आता है क्योंकि मुझे अच्छे से उतना एडिटिंग करना ब्लॉगिंग करना नहीं आता, जस्ट मैं अभी सीख रही हूँ और छोटा छोटा सा ब्लॉग या अपना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोग से शेयर करती हूँ गाइज। और आप लोग को अच्छा लगता है तो आप मुझे सपोर्ट करते हो, प्यार करते हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गाइज। इसी तरह से जो है मेरे को सपोर्ट करो फ्रेंड्स और मेरे से जुड़े रहिए। और गाइज आज जो है मेरा इवनिंग का ब्लॉग, मैं बैठी थी सोच रही थी कि क्या बनाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, फिर मैंने सोची कि चलो क्यों नहीं ब्लॉगिंग करते करते जो है आज का खाना बनाते हैं। तो जुड़े रहिए मेरे ब्लॉग में और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं नाइट में अपनी बेबी को और मतलब इवनिंग से नाइट तक मैं क्या क्या करती हूँ, सारा इस ब्लॉगिंग में रहेगा। शाम हो चुकी थी और मैंने यहाँ पूजा कर लिया था और तुलसी में दिया भी जला लिया। आप लोग भी जरूर शाम में पूजा करते होंगे तो तुलसी माता को जरूर दिया देते होंगे, तो मैंने भी यहाँ तुलसी में जो है दिया जला लिया था। तो गाइस ये मेरी सब्जी बनाना था आज, तो गोभी, तो गोभी में आजकल कीड़ा रहता है ना गाइस वो ग्रीन वाला, इस वजह से जो है मैंने गोभी को पहले ही गर्म पानी में उबाल लिया थोड़ा सा, ताकि जो भी वो मतलब कीड़ा रहता है ना, ऐसे तो हमने हटा देते हैं लेकिन फिर भी एक बार आप उसे हल्का सा नमक डाल के गर्म पानी में बॉईल कर लिए ना तो अच्छी बात है, क्योंकि वो कीड़ा जो है वो अच्छा तो होता नहीं है इस वजह से। और फूल गोभी में तो आप लोग जानते ही होंगे, जो भी फूल गोभी की सब्जी बनाते होंगे तो कि अक्सर वो मिल ही जाता है कीड़ा, तो ये मैंने जो था गर्म पानी में बॉयल कर लिया। यहाँ मैंने कढ़ाई चलाई थी और यहाँ दूध उबल रहा था, तो फिर जुड़ी रही हूँ मैं फटाफट। यहाँ मैंने दो प्याज काटे थे और ये थोड़ा सा आलू और गोभी की सब्जी बना रही हूँ, तो जुड़ी रही हूँ कि रात में डिनर मेरा क्या क्या बनाती हूँ मैं।
और गाइस तब तक जो है मैं यहाँ पे बर्तन धो लेती हूँ, और गाइस जब तक मेरी बेटी सोई रहती है ना तब तक जो है मैं सबसे पहले अपना किचन का काम खत्म कर लेना चाहती हूँ, उसके बाद सारे काम निपटाना चाहती हूँ। तो आप देख सकते हो किचन का काम चालू है, पहले खत्म करूंगी। दोपहर के बर्तन है, जो दोपहर में मैंने खाना खाया था वो बर्तन मैंने धोया नहीं था, और मेरी सिस्टर भी आई थी और मेरी दीदी का लड़का वगैरह भी था, इस वजह से जो दूध उबल गया था गाइस तो मैंने बंद कर दिया, और उसके बाद इसीलिए इतना बर्तन हो गया। तो मैंने कभी वॉश नहीं करा था क्योंकि मेरी बेटी रोने लगी थी गाइस, और आपको जानते छोटे बच्चे को साथ घर संभालना कितना मुश्किल रहता है। तो मैं फटाफट कोशिश करती हूँ कि जब तक मेरी बेटी सोई रहे तब तक मेरा एटलीस्ट खाना बन जाए, क्योंकि मेरे हस्बैंड आएंगे ड्यूटी से तो उनको भूख लगा रहता है, और फिर किचन का काम तो जानते हो आप लोग कितना वो रहता है। तो इसीलिए जो है मैं यहाँ पे किचन का काम जो है फटाफट खत्म कर लेना चाहती हूँ। हे गाइस, तो मैं यहाँ पे जो है फटाफट काम फिनिश कर रही थी और ब्लॉग भी शूट कर रही थी, तो ब्लॉग में काफ़ी आवाज़ मतलब आ रहा था, इस वजह से जो है मैंने उसका साउंड मतलब बाद में जो है फिर अच्छे से, तो यहाँ मैंने आलू को भी जो धो लिया था अच्छे से और उससे जो है मिला दिया था। और गाइस आप लोगों को तो पता ही है मैं फ़ोन को ऊपर रख के वीडियो बनाती हूँ, इसलिए जो है मेरा वीडियो प्रॉपर जो है ऊपर नीचे थोड़ा सा रहता है, क्योंकि मेरे पास जो है अभी वो टिकटॉक स्टैंड नहीं है, इस वजह से जो है। तो फटाफट मैंने बर्तन जो है धो लिया था और मेरी दूध उबल गई थी उसको भी मैंने ढक दिया, और मतलब मेरी बच्ची जो है सोई थी तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं एक छोटा सा ब्लॉग बना के फटाफट काम करके दिखाती हूँ गाइस। तो यहाँ पे मैं बर्तन वगैरह जो है मैं सेट कर रही थी, जो मेरा धोया हुआ बर्तन था उसे मैंने सेट कर लिया, और सारा बर्तन वगैरह भी मैंने अच्छे से वॉश करके धो लिया था और धो के मतलब रख रही थी। तो गाइस अगर ये वाला ब्लॉग मेरे को अच्छा लगेगा, अगर आप लोग को आप लोग को पसंद आएगा तो ज़रूर मेरे ब्लॉग को जो है लाइक करना और अपना सपोर्ट बनाए रखना गाइस। और मेरा इवनिंग से नाइट का जो है जो ऐसे ही रहता है, कभी कभी बीच में मेरी बेटी उठ जा रही थी, इस वजह से जो है मेरा वीडियो थोड़ा कट कट कर भी वो शूट मैं नहीं कर पाई, क्योंकि फिर मेरे को जल्दी जल्दी फटाफट खाना बनाना था। तो आप देख सकते हो और आपको तो पता ही होगा कितना जल्दी इवनिंग मतलब नाइट में बेबी को संभालना और खाना बनाना कितना प्रॉब्लम रहता है, और जब आप अकेले हो कोई हेल्प करने वाला ना हो, तो यहाँ पे जो है मैं अकेले ही हूँ, अकेले बेबी संभालती हूँ और घर के भी सारा काम वगैरह करती हूँ, और सब कुछ जो है मैंने अच्छे से कर लिया था, और बर्तन वगैरह मैंने इसका लगभग सारे धो ही लिए थे, पूरा साफ भी कर लिया था मैंने। उसके बाद जो है यहाँ पे ये भी देख रही थी कि मेरे हस्बैंड भी जो है वो आने वाले थे, तो बस उनके आने से पहले मेरा काम ख़त्म हो जाए और मेरी बेटी के उठने से पहले भी जो है मेरा काम ख़त्म हो जाए। तो फिर फ़िलहाल मैंने एक सब्ज़ी चढ़ाई हुई थी और दूसरी सब्ज़ी की तैयारी करने लगी, तो मैंने भिंडी की भुजिया सोचा था बनाने का, क्योंकि काफ़ी दिन से मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि भिंडी का भुजिया बना लेना, तो इस वजह से जो है मैं है वो सोच रही थी कि क्यों नहीं मैं भिंडी भी जो है वो अभी मेरी बेटी सोई है तो यहाँ पे मैं भिंडी जो है वो सारे अच्छे अच्छे भिंडी जो है चुन के अपना काट रही थी, मतलब सॉफ्ट के भी एक दो ठो भिंडी रहता है ना जो थोड़े करी टाइप के हो जाते हैं, उसकी भुजिया नहीं अच्छे से बन पाती है, तो वही मैं यहाँ पर जो है भिंडी चुन ली थी। अब यहाँ पर मैं फटाफट जो है अपना काम करूँगी, क्योंकि मेरी बेटी भी है कभी भी उठ सकती है, इस वजह से जो है मैं वीडियो चला दी थी और छोटा सा अपना शूटिंग भी कर रही थी और फटाफट अपना काम भी कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने भिंडी ले लिया और उसे अच्छे से वॉश कर रही हूँ, वॉश करने के बाद जो है मैं उसे अच्छे से धो लिया, धो के क्योंकि भिंडी को तो धो के ही काटा जाता है, काटने के बाद तो वो लसलसा सा हो जाता है ना, आप सबको तो मालूम ही होगा, तो इसलिए जो है मैंने भिंडी को अच्छे से वॉश कर लिया पानी से, और उसके बाद देन उसको मैं थोड़ी देर छोड़ दूँगी और उसके बाद मैं काटूँगी। तो फिर मेरे वीडियो में जो है मैं अब ग्लास मैं ले रही थी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि सब्ज़ी तो मैंने चढ़ा दिया, अब अदरक लहसुन अगर मिक्सी में पेस्ट बनाऊंगी तो मेरी बच्ची उठ जाएगी मिक्सी की आवाज़ से, तो इसी वजह से जो है मैं यहाँ पे ग्लास में जो है अदरक लहसुन को कूट लूँगी। तो यहाँ मैं जो है अदरक कट कर रही हूँ, और
है फ्रेंड्स, तो काफ़ी जो है मैंने बाद में एडिटिंग किया, एडिटिंग करते वक्त भी जो है मेरी बेटी रो रही थी, तो इसीलिए मेरे हस्बैंड उसको संभाल रहे थे और मैं धीरे धीरे जो है एडिटिंग कर रही थी। और रात का मैं हल्का फुल्का ब्लॉग नहीं कर पाई, जो मतलब हल्का फुल्का ब्लॉग बना पाई और पूरा प्रॉपर सोते वक्त तक का ब्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि मेरी बेटी उठ गई थी, फिर काफ़ी रो रही थी, तो उस वजह से जो है उसको सिकाई भी करना था, छोटी बच्ची है ना, ठंडा की वजह से उसको सिकाई भी करना है, तेल वेल लगाना था, तो वो सब का वीडियो जो है मैं कोशिश करूँगी अगले वीडियो में वो सब आपको दिखा पाऊँ। तो यहाँ पे जो है मैं फाइनली जो है अदरक को काट कर लिया था और अब लहसुन को भी इसमें डाल के अच्छे से मैं इसका पेस्ट बना लूँगी और मैं जो है ये ग्लास में कूट के बेलन से इसको पेस्ट बना लेती हूँ। और यहाँ पे जो है मैं सब्जी को अच्छे से मिक्स कर रही थी और मतलब कि हो ही गया था मेरा अदरक लहसुन का पेस्ट, वो भी मैंने इसमें डाल के मसाला वसाला डाल के मैंने सारा इसमें मिक्स कर दिया सब्जी। और सब्जी मेरी होने वाली थी लगभग, और यहाँ पे मैंने भिंडी भी काट के रख ही ली थी अब उसके भुजिया बनाने के लिए। और फ़ोन तो मैं नीचे रखती हूँ, इस वजह से जो है प्रॉपर नहीं आ पाता होगा मेरा वीडियो, क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ उस वजह से जो है। और मुझे ये भी था कि कहीं मेरी बेटी ना उठ जाए, इस वजह से जो है, और मैं यहाँ पर अपना ब्लॉग भी शूट कर रही थी और मतलब काम भी कर रही थी फटाफट। तो यही मेरा भाग दौड़ वाला है, लाया यहाँ धनिया पाउडर है जो मैं सब मसाले वगैरह मिला रही हूँ, ग्लास में मैं ये सब मिला के उसमें सब्जी में, क्योंकि आलू गोभी की मैं रसेदार सब्जी बनाऊँगी, मैं तो आलू खाऊँगी, गोभी नहीं खाना है मुझे, तो थायराइड में वो अच्छा नहीं रहता, इस वजह से मैं भिंडी का भुजिया, आलू और चावल खाऊँगी। और नाइट में जो है मैं चावल ही बनाती हूँ, क्योंकि कभी काल रोटी बना लेती हूँ, ऐसे मैंने मॉर्निंग में रोटी बनाई हुई थी, इस वजह से जो है नाइट में मैं चावल बनाया, ऐसे मैं मॉर्निंग में और आफ्टरनून में रोटी खा लेती हूँ और नाइट में चावल खाती हूँ, और ऐसे कोई ठीक नहीं रहता है, कभी भी हम लोग जो मन होता है वो बना लेते हैं। और यहाँ चिकन मसाला भी मैं डाल रही हूँ, गर्म मसाला डाल चुकी थी, हल्दी और मिर्ची पाउडर ये सब भी मैंने मिला दिया था सब्जी में। और जो है यहाँ पर मैं आपको भी दिखाने का कोशिश कर रही थी, बट मेरा फ़ोन जो है ना वो नीचे की तरफ है, तो थोड़ा तो इस वजह से जो है मतलब डब्बा पे रखा हुआ था मैंने फ़ोन, इसलिए क्लियर जो है आपको नहीं दिखा पाया, मतलब नहीं दिखा पाऊँगी। लेकिन इसी तरह मैं जो वीडियो है बनाती हूँ गाइस, आपको तो पता ही है मैं कितने प्रॉब्लम से वीडियो बना पाती हूँ, बच्चे को संभालना, घर का काम करना, फिर वीडियो बनाना, मुझे ज़रूरत है वीडियो बनाने की, इस वजह से जो है मैं बनाती हूँ। कि और यह मैं मसाला का जो है फाइनली पेस्ट बना चुकी थी क्लास में, और नॉर्मल तरीके से मैंने सब्जी बनाई थी, उसका मैं ब्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि वो नहीं हो पाता है वैसे हाथ में पकड़ के दिखाने में, फिर मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जो है मैं ख़रीद पाऊँ और फिर अच्छे से प्रॉपर वीडियो बना के आप लोग को दिखाऊँ। तो फ़िलहाल तो मैं ये काम चलाऊँ ऐसे ही बनाती हूँ और मतलब इस तरह का ही बनाती हूँ। और अभी भी मुझे बहुत सारा काम भी था और मैं उधर भी देख रही थी, मुझे डर भी लग रहा था कहीं मेरी बेटी ना उठ जाए, फिर सारा काम धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि हस्बैंड जी ने बोला था कि आज वो थोड़ा लेट आएंगे, इस वजह से जो है, नहीं तो वो आते तो फिर वो बेबी संभाल लेते और मैं खाना बना लेती हूँ, लेकिन वो लेट आते तो फिर मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है उसको भी संभालने में। और ऐसे तो वो सोई रहती है तो ठीक है, नहीं तो इतना रोती है ना, फिर उतना रोती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, फिर उसको फिर चुप कराना घुमाने में जो है सारा वक्त जो है निकल जाता है। और मैं यहाँ पे मतलब चली जाती हूँ उसको देखने के लिए, और यहाँ सब्जी है और कैमरा ऑफ करना मैं भूल गई थी, तो फिर मैं जब है उसको देख के आती हूँ कि मतलब जगी वगी तो नहीं है वो, क्योंकि फिर जग जाएगी तो रोने लगेगी। यहाँ पे जो है मेरी सब्जी जो है लगभग हो गई थी और मेरी बेटी उठ गई थी, इस वजह से जो है मैं उसको चुप कराने लगी थी और वीडियो में यहाँ बंद करना भूल गई थी, जो कि आप देख रहे होंगे वीडियो चल रहा है बट कोई है नहीं। तो फिर मैंने यहाँ पे जो भिंडी है वो फाइनली सूची कट करना, और यहाँ पे बहुत सारे कपड़े थे जो मेरे को बोड़ के रखना था, और यहाँ पे मैं जो है दूध गर्म हो गया था, उसमें मैंने हॉर्लिक्स मिला लिया क्योंकि मैं थक भी चुकी थी,
तो फिर पूरा वीकनेस जैसा लग रहा था, इस वजह से मेरी बच्ची जो है फिर मैंने उसे सुला दिया था। और जो है मैं यहाँ पे आयरन भी करना था, कपड़ा वगैरह मैंने मोड़ लिया और फिर आयरन करने लगी। और ये देखो गाइस फाइनली मेरा डिनर जो है वो कंप्लीट बन गया था। आलू गोभी की सब्जी तैयार हो गई थी, भिंडी की भुजिया और कुकर में मैंने चावल बना लिया। ठीक है गाइस, तो फाइनली जो हमारा रात का डिनर है वो मैंने पूरा तैयार कर लिया है और अब मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ। जैसे ही वो आएंगे तो हम लोग वो फ्रेश हो जाएंगे और उसके बाद जो है हम लोग अपना डिनर कंप्लीट करेंगे। तो यही भागदौड़ वाला जो लाइफ है गाइस वो सब लेडीज़ में रहता है और यही भागदौड़ वाली लाइफ जो है वो मेरे भी लाइफ में है। हे गाइस, तो मैंने जो है लगभग अपना सारा काम ही ख़त्म कर लिया है, थक भी गई हूँ काफ़ी। तो आयरन करना था, कपड़ा मोड़ना था क्योंकि बहुत दिन से कपड़ा फैला हुआ था और कल संडे था तो मतलब टोटली कपड़ा जो है फैला हुआ था गाइस। मतलब बेबी छोटी है तो रोने लगती है कभी, तो अभी वो थोड़ी शाम थी तो मैंने सोचा कि फाइनली क्यों नहीं मैं ये सारे जो काम है वो अपना फिनिश कर लेती हूँ। तो गाइस अच्छा लगे अगर मेरा ये ब्लॉग तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और प्यारा प्यारा कमेंट करना गाइस। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं जल्दी नए अगले ब्लॉग में एक अच्छा सा वीडियो लेके। बाय बाय।